खबर सिंगरौली से है, जहां जिला पंचायत चुनाव में कूदे कई दिग्गज। पूर्व कैबिनेट मंत्री जगन्नाथ सिंह को हराने वाली कांग्रेस की पूर्व चितरंगी विधायक सरस्वती सिंह ने भी जिला पंचायत मेंबर के लिए भरा पर्चा। कांग्रेसी पूर्व विधायक के सामने पूर्व मंत्री की बहू राधा सिंह मैदान में पूर्व मंत्री पुत्र रविंद्र सिंह, रिटायर्ड राजस्व अधिकारी नगर निगम आईडी सिंह भी मैदान में। दिलचस्प हुआ मुकाबला। पुरुषों से अधिक महिलाओं ने भरे सरपंची और पंची के फॉर्म। भाजपा कांग्रेस दोनों दलों में भोपाल तक है पैनी नजर। तकरीबन 2 साल देरी से हो रहे पंचायत और नगर निगम चुनाव ने भीषण गर्मी के साथ सियासी पारा भी गर्म कर दिया है। प्रदेश में पहले पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं और जिले के पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत के फॉर्म भरे जा रहे हैं। संडे अवकाश होने की वजह से सोमवार 6 जून पर्चा भरने की आखिरी तारीख है। कलेक्ट्रेट कैंपस में उम्मीदवारों के समर्थकों की भारी भीड़ जुटी है। हर कोई अपने अपने जुगाड़ से मैदान में आ गया है। इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट आदिवासी सीट है, जिससे बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है। जिला पंचायत मेंबर के लिए जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री जगन्नाथ सिंह की बहू राधा सिंह ने वार्ड 10 कुलकवार से पर्चा भरा है, वहीं उनके सामने कांग्रेस की पूर्व चितरंगी विधायक सरस्वती सिंह ने पर्चा भरकर भोपाल तक खलबली मचाई है। सरस्वती सिंह ने प्रदेश के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री जगन्नाथ सिंह को 2013 में भारी मतों से हराया था। पूर्व मंत्री जगन्नाथ सिंह के पुत्र रविंद्र सिंह भी जिला पंचायत सदस्य वार्ड 12 गीर से चुनाव मैदान में हैं। तो वहीं नगर निगम के रिटायर्ड राजस्व अधिकारी इंद्रदेव सिंह ने भी वार्ड 11 ओढ़नी से पर्चा भरा है, जिससे बहुत ही दिलचस्प मुकाबले का आसार है।